निसान इन्फिनिटी G35, इसमें मसला क्या है? इसमें मसला यह है, कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी का थ्रोटल काम नहीं कर रहा है, गाड़ी रेस नहीं ले रहा है। अभी गाड़ी को चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। अभी गाड़ी स्टार्ट है, चेक इंजन लाइट ऑन है, अभी फुल मैंने डिप्रेस किया है, सिर्फ 4 तक जाता है, यानी इसका जो थ्रोटल है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अभी फुल मैंने दबाया एक्सेलेटर और सिर्फ 2 तक आता है। अभी इसको कैसे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लाइव डाटा में बताऊंगा कि इसको कैसे चेक करेंगे और कैसे इसका फॉल्ट दूर करेंगे। अब एकदम से हमने RPM दबाया, सिर्फ 2 तक RPM आता है। तो अभी हम कोड चेक करेंगे, इसका जो कोड है वो क्या कोड है। हमारे पास कोड आ रहा है P2127 एप सेंसर सेंसर टू सर्किट। तो अभी हम इसको कोड को क्लियर करते हैं, देखेंगे कि क्लियर होता है कि नहीं। तो इसका जो कोड है वो क्लियर नहीं हो रहा है। इसका जो कोड है वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसका जो पेडल सेंसर है उसका कोड है ये P2127। इसमें जो पेडल सेंसर है इसके अंदर 2 सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। टोटल 6 वायर है और 2 सेंसर का सिग्नल ECM में जाता है। अभी सबसे पहले हम जाते हैं लाइव डाटा में और चेक करते हैं कि क्या मसला है। तो हम सेलेक्ट करेंगे अप सेंसर 1 एप सेंसर 2। तो ये एप सेंसर 1 अप सेंसर 2 इसको सेलेक्ट किया। ये सेंसर 2 है और ये सेंसर 1 है। एक्सेलेटर सेंसर 1 या अप सेंसर भी इसको बोला जाता है। तो थ्रोटल रिले ऑन है और ये जो डेटा में शो हो रहा है 0.30 mV, 0.30 V और 0.29 V। तो अभी फुल को इसको डिप्रेस करते हैं तो 4 V पे चला जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका सेंसर बिल्कुल सही है। मसला किधर है? इसमें जो मसला है वो एडजस्टमेंट का है। ये 0.36 और 0.40 के बीच में होना चाहिए। 0.30 ये बहुत कम है, तो इसको सिर्फ हम एडजस्टमेंट करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लेंट क्लियर होगा। ये 0.30 है, ये 0.29 है, सेंसर 2 का 0.29 है, ये कम से कम 0.36 का होना चाहिए। तो ऐसा हम थोड़ा पेडल को पकड़ के जब हम रखते हैं तो इसका कोड क्लियर होता है, जब पेडल को छोड़ते हैं तो इसका कोड फिर वापस आ जाता है। तो इसको कैसा क्लियर करते हैं? तो जैसा जैसा आप देख सकते हैं नो कोड, क्योंकि हमने पेडल थोड़ा प्रेस करके रखा है। अभी पेडल को छोड़ेंगे और कोड को रीड करेंगे तो कोड वापस आ जाता है। तो P2127 इसका जो वोल्टेज है बहुत लो है। अभी हमने खोल दिया पेडल को, ये सिर्फ इसको एडजस्टमेंट करेंगे, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ ये प्लास्टिक आते हैं, कभी कभी ये प्लास्टिक भी टूट जाता है, फिर इससे भी ये मसला आता है। तो प्लास्टिक भी सही है, तो ये 2 स्क्रू हम लूज़ करेंगे
और इसको एडजस्टमेंट करके गाड़ी को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको टेप करें, यहाँ पे हमने टेप किया। अभी गाड़ी के अंदर इसको चेक करते हैं और लाइव डाटा में दिखाएंगे कि अभी कितना शो हो रहा है। ये 0.36 से कम नहीं होना चाहिए सेंसर वन का और 0.37 इसके बीच में होना चाहिए। 0.30 में बहुत प्रॉब्लम है। अभी क्लियर करते हैं इसका कोड, पहले इसका कोड क्लियर करते हैं। अभी कोई कोड नहीं आ रहा है, अभी लाइव डाटा में चेक करते हैं। अभी सेंसर वन और सेंसर टू का कितना आ रहा है, कोई भी निशान गाड़ी है आपने सबसे पहले इसको चेक करना है, डायरेक्ट चेंज नहीं करना है। ये सेंसर वन है, ये सेंसर टू है, ये सेंसर वन है, वो दूसरा सेंसर टू है। अभी इसको ओके करते हैं। तो अभी आ रहा है 0.40 और 0.42, तो अभी ये बिल्कुल सेट हो गया है और गाड़ी बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये 0.30 से कम तो आएगा ना, तो ये बिल्कुल काम नहीं करता है। 0.31 इसमें नहीं होना चाहिए। तो अभी सब कुछ फिक्स करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अभी इंजन का लाइट भी ऑफ हो गया और गाड़ी भी बिल्कुल सेट हो गया। ये मामूली काम से पूरा गाड़ी सेट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।